और एक और बड़ी खबर आपको दे दे, दुष्यंत गौतम आज शाम को देहरादून पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम और वो उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। शाम को संगठन के कई नेताओं और विधायकों से वो मुलाकात भी करेंगे। तो दिल्ली में उत्तराखंड में सरकार के गठन को लेकर काफी मंथन हुआ। तीन तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर की है। यहाँ शीर्ष नेतृत्व के अलावा उत्तराखंड के नेता बैठक में पहुंचे थे। इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल रहे, बीएल संतोष रहे, प्रहलाद जोशी शामिल थे, तो वहीं उत्तराखंड से पुष्कर धामी रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे थे। गृह मंत्री के आवास से करीब एक घंटे के बाद उत्तराखंड के सभी नेता निशंक के आवास पर पहुंचे, जहां उत्तराखंड के सीएम को लेकर मंथन हो रहा है। देखिए, आपको ये तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार उत्तराखंड के सीएम को लेकर मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। कौन कौन बैठक में पहुंचा था वो हम आपको बता रहे हैं। और अभी फिलहाल निशंक के घर पर धामी के साथ बातचीत हो रही है, बैठक चल रही है। और वहीं उत्तराखंड में सरकार और सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने से पहले और बैठक के खत्म होने तक की सिलसिलेवार जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं कि आखिर कब ये बैठक हुई, कौन कौन पहुंचा था। देखिए, सुबह 10:20 पर उत्तराखंड सदन से धामी निकले हुए, इसके बाद अमित शाह के घर के लिए वो रवाना हुए थे। सिलसिलेवार तरीके से एक जानकारी आपको दे रहे हैं क्या पूरा घटनाक्रम सुबह से रहा है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी शाह के आवास के लिए रवाना हुए और इसके बाद सुबह 10:21 पर वो शाह के घर पहुंचे। सतपाल महाराज भी इसी दरमियान पहुंचे थे। मदन कौशिक भी अमित शाह के घर पर पहुंचे। सुबह 10:28 पर शाह के घर पर पुष्कर धामी पहुंचे। रमेश पोखरियाल निशंक भी गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे और 10:35 पर बैठक में बीएल संतोष भी मौजूद हुए, उन्होंने भी बैठक को ज्वाइन किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पर पहुंचे। सुबह 10:59 पर सतपाल महाराज बैठक से निकल गए और इसके बाद सुबह 11:51 पर उत्तराखंड के नेताओं की बैठक खत्म हो गई। उत्तराखंड के सभी नेता निशंक के आवास पर पहुंचे। दोपहर 12:09 पर शाह के आवास पर बैठक खत्म हुई। जेपी नड्डा, बीएल संतोष और गृह मंत्री आवास से वो रवाना हुए। जेपी नड्डा और बीएल संतोष, जो बैठक अमित शाह के घर पर चल रही थी वो लगभग जानकारी मिल रही है कि 12:09 पर खत्म हुई है। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर भी बैठक चल रही थी, तमाम नेता वहां से निकल गए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी अभी भी वहां पर मौजूद है, इस बात की जानकारी है, ये इनपुट है। ताजा अपडेट इस वक्त क्या है, अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी बताएंगे, दिल्ली से वो जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या जानकारी है? बताया जा रहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर पुष्कर सिंह धामी अभी भी मौजूद हैं, क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल जी, अगर बात करें तो अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और दोनों नेताओं के बीच में तकरीबन एक घंटे से ये बैठक का दौर जारी है। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासी समीकरण उभरे हैं, जिस तरीके से वहां की सियासत में कहिए कि यूटर्न हुआ है और मुख्यमंत्री खुद खटीमा से चुनाव हार गए, उसके बाद से लगातार केंद्रीय आलाकमान और राज्य के तमाम तरह जो शीर्ष नेता है वो पशुपेश में है। इस वक्त मैं रमेश पोखरियाल निशंक के आवास के बाहर ही मौजूद हूं और यहां पे अंदर दो नेताओं के बीच में लगातार बैठक जारी है कि किस तरीके से राज्य में अगले मुख्यमंत्री के चुनाव हो, किसको राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खुद अगला मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी तरीके से पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करके अपनी बातें रखी कि किस तरीके से वो खटीमा में चुनाव आ रहे हैं और किस तरीके से वो अब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अंतिम निर्णय अब पार्टी आलाकमान को करना है और पार्टी आलाकमान अब इस बात को लेकर लगातार मंथन कर रहा है किसको राज्य की सत्ता सौंपी जाए। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में सियासत रही है, उत्तराखंड के सियासत की अगर बात करें तो जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है वहां पे बहुत ज्यादा लोग जो सीएम बनता है उसके विरोध
में खड़े हो जाती हैं और फिर लगातार केंद्रीय आला कमान के पास जा जाकर उस सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हैं। यही कारण की अगर बात करें तो एनडी तिवारी के बाद उत्तराखंड में कोई भी 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रह सका है। एनडी तिवारी कांग्रेस के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में 3 मरतबा सरकार आई। जब उत्तराखंड राज्य नया नया बनाई था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले अगर बात करें तो स्वामी नित्यानंद को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अगर बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी को बनाया बीच में बदलाव करके, फिर जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली तो वहां पे बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बीसी खंडूरी के बाद अगर बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक को बनाया गया और फिर रमेश पोखरियाल निशंक को हटा के बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी को 2017 में प्रचंड बहुमत मिला तो यह कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है और 5 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए रखने में कामयाब रहेगी, और लेकिन अंतिम समय आते आते वहां पर स्थितियां खराब हो गई और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा के पहले तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उनके बाद पार्टी को उनके नेतृत्व पे विश्वास नहीं हुआ, तब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जब 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ा गया तो ये कहा जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी चेहरा है, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही आगे राज्य बढ़ेगा। राज्य तो बढ़ा, प्रचंड बहुमत तो आई, लेकिन खुद खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए। अब जिस तरीके से समीकरण बहुत बदली है, लेकिन कोशिश यही होगी अविनाश जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि एनडी तिवारी के बाद अब कोई ऐसा फेस दे पाए भारतीय जनता पार्टी जो कि 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करे, ऐसा कोई सीएम हो, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी।